हेलो फ्रेंड, हमारे चैनल आर्टिस्टी होम पे आपका स्वागत है। आज हमने इस वीडियो में शी बीट से ये इयररिंग बनाया है। ये इयररिंग हमने ब्लैक और ब्लू कलर का बनाया है। देखिए, इसमें हमने ब्लू के तीनों शेड लेकर किस तरह से इसमें शेड दिया है, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा है। देखिए, इसमें हमने वन साइड से छोटा और वन साइड पूरा लंबा रखा है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर 2 mm के शी बीट लिया है। इसमें हमने ब्लू कलर के 3 शेड लिए हैं और ब्लैक कलर, सिल्वर, और ये हमने 1 mm के सिल्वर कलर भी लिया है साथ में। और ये ब्लैक कलर का नायलॉन थ्रेड है और नीडल, इसको हम ब्लैक कलर के बीट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने नीडल में यहाँ पे 4 बीट ब्लैक का लिया है। इसको यहाँ पे हम 2 बीट क्रॉस करके और ये इस तरह से हमारा इस तरह से बन गया है। अब यहाँ पे हम इसको यहाँ से नीचे जैसे हम नीचे लाएंगे और दोनों को दोनों ये थ्रेड एक साथ हो गया है। यहाँ पे हम यहाँ नॉट लगा देंगे जिससे कि हमारा बीट सिक्योर हो जाए। इसके बाद से हम टू बीट क्रॉस करके हम इस साइड हम आ जाएंगे। अब यहां से हम 2 बीट लेते जाएंगे और इसको 2 बीट लेके हम इस दोनों बीट से क्रॉस करेंगे। इस तरह से, और फिर हम वापस जो हमने 2 बीट लिया है उससे हम वापस आ जाएंगे। ये देखिए, ये 1, 2, 3 रो हो गया। इसी तरह से हम फिर से 2 बीट लेंगे और इसके बाद से फिर सेम बीट से हम इसमें ऊपर से नीचे आ जाएंगे और फिर जो हमने 2 बीट लिया है इससे क्रॉस करते हुए फिर ऊपर आ जाएंगे। देखिए, ये हमारा 1, 2, 3, 4 बन गया है। इसी तरह से हम 2 बीट लेते हुए हम 9 जो है रो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 रो हमारा तैयार हो गया है। ये लास्ट में हम इसको यहां से ये वापस आ गए। अब इसके बाद से ये हमारा 9 रो हो गया है। अब हम हर बार 1 रो कम करते जाएंगे, तो उसके लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले 2 बीट लिया है और ये फर्स्ट छोड़ के
सेकंड। सेकंड के धागे में हम इसको इस तरह से हमने डाला है और उसके बाद से यहाँ पे हम ये वन बीट नीचे आके फिर ये लास्ट वाले बीट से फिर से ऊपर जाएंगे और फिर हम ये सेकंड बीट हमने जो डाला था उसको लेके और इस दोनों बीट के थ्रेड के बीच से हम अपना निडल निकाल लेंगे और फिर वापस हम इसी बीट से वापस आ जाएंगे। अब इसके बाद से हम वन बीट लेंगे, वन बीट लेके और दोनों ये देखिए ये और ये दो बीट के बीच में जो थ्रेड हमारा दिखाई दे रहा है हम यहाँ से इसको निकालेंगे। फिर निकालने के बाद इसको हम सेम बीट से ऊपर वापस जाएंगे। फिर से हम वन बीट लेंगे और दो नीडल के बीच में दो बीट के बीच में जो हमारा थ्रेड है हम उससे इस तरह से और फिर उसी बीट से हम ये वापस आ जाएंगे। देखिए इसी तरह से हम यहाँ तक इसको बना लेंगे। यहाँ पे हम ये थ्रेड कट कर देंगे। ये हमने नीचे 9 रो तैयार किया था, अब यहाँ हमारा 8 बीट कर देंगे इसको। ये देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 हमारा बन गया है। अब इसके बाद वापस हम इसको पलट के हम यहाँ से नेक्स्ट चलाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम फिर से 2 बीट लेंगे। हम सबसे पहली बार जब लेंगे तो 2 बीट लेंगे और उसके बाद से फिर 1 बीट लेके करेंगे। जब हम 2 बीट ले रहे हैं तो ये पहला जो है दोनों बीट के बीच में जो थ्रेड है उसको छोड़ के हम सेकेंड में डालेंगे और पहले वाले को हम ए वन बीट नीचे से क्रॉस करते हुए इसको लॉक करेंगे और जिससे कि हम ये बीट जो है स्ट्रेट दिखे और फिर से इसको हम बीट में लेके थ्रेड से वापस आ जाएंगे। अब यहां से हम 1 बीट लेंगे। ये इस तरह से हमने 8 बनाया था, अब इस बार हम यहाँ पे 7 बनाएंगे और इसी तरह से हम 7 के बाद 6 5 4 3 2 यहाँ तक हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने लास्ट में ये
टू बीट हो गया है, अब इसमें हम टू बीट और डालेंगे। इसे हम इसमें टू बीट डाल के और हम नीचे के टू बीट के साथ इसको लॉक करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से बन गया है। अब हम यहाँ पर इसको लास्ट में यहाँ से होते हुए हम क्रॉस करते हुए यहाँ आ जाएंगे। ये देखिए, ये हम वन साइड यहाँ पर आ गए हैं। अब यहाँ से हम ब्लैक के साथ साथ हम अपने डार्क ब्लू और ब्लू के तीनों शेड हम यूज करेंगे यहाँ पर। और साथ में हम इसमें बीच बीच में सिल्वर भी लगाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टू बिट ब्लैक ले रहे हैं, फिर वन सिल्वर, इसके बाद से फोर बीट हम डार्क ब्लू लेंगे, फिर से वन सिल्वर, फिर इससे हम वन शेड लाइट ब्लू फोर लेंगे, फिर वन सिल्वर और फिर लाइट ब्लू। ये इस तरह से हमने फोर फोर तीनों शेड के लेके और बीच बीच में सिल्वर लगा लिया है। इसके बाद से लाइट ब्लू के बाद फिर से हम वन सिल्वर बीट लेंगे और इसके बाद हम इसको लास्ट में लॉक करने के लिए एक हम 1 mm का सिल्वर बीट लेंगे। ये देखिए, यहाँ हमने जो 1 mm का बीट लिया है इसको हम छोड़ देंगे और बाकी के बीट से हम वापस जो है ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ, ये देखिए, ये हम लास्ट में यहाँ पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम टू बीट जो हमने फर्स्ट लाइन में टू टू बीट का जो बनाया था रो, इसमें हम टू बीट ऊपर जाएंगे और यहीं से हम फिर से टू बीट नेक्स्ट जो है रो में वापस आ जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम ये नेक्स्ट रो में आ गए हैं। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे टू बीट ब्लैक लिया था, तो पहले हम टू बीट ब्लैक लेंगे, अब इसके बाद से थ्री बीट ऐड करेंगे ब्लैक। ये यहाँ पे हमारा 5 बीट ब्लैक हो गया। अब इसके बाद से हमने जैसे ही इसमें बनाया है सिल्वर, फिर 4 डार्क ब्लू सिल्वर, फिर मीडियम ब्लू, फिर सिल्वर, फिर लाइट ब्लू और फिर ये सिल्वर का, इसी तरह से हम इसको करेंगे। ये देखिए, ये इस तरह से, फिर लास्ट में हम 1 mm का सिल्वर बीट लेके और इसको हम छोड़ देंगे, बाकी का वापस आ जाएंगे।
और इसको हम ये सबसे नीचे वाला बीट पकड़ के थोड़ा सा अपना थ्रेड खींच देंगे तो ये पूरा सेट हो जाएगा। इसके बाद से हमारा सेकंड लाइन भी पूरा हो गया है, तो ये सेकंड फिर हम टू बीट यहाँ से इस तरह से ऊपर जाएंगे और नेक्स्ट रो से फिर से वापस आ जाएंगे। अब ये हमारा यहाँ से थर्ड लाइन स्टार्ट होगा। थर्ड लाइन बनाने के लिए हम यहाँ पे हमने 5 लिया था, अब 5 में हम 3 और ऐड करके 8 ब्लैक बीट लेंगे। अब यहाँ पे हम सेम पैटर्न बनाते हुए फिर से हम बना लेंगे इसी तरह से। ये देखिए सेम पैटर्न से हमने इसको बना लिया है। लास्ट में हम 1 mm का सिल्वर बीट लेंगे और बाकी का हम यहाँ से रिटर्न फिर से ऊपर आ जाएंगे। ये हो गया, हम फिर से यहाँ पे हम 2 बीट ऊपर आके फिर वापस हम करके हम 4th लाइन में आ जाएंगे। ये देखिए ये इस तरह से हमने 3 लाइन तैयार कर लिया। इसी तरह से हम पूरे को 3-3 बीट ब्लैक में ऐड करते हुए हम पूरा यहाँ पे 1 साइड बढ़ाते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये हमारा पूरा सारा लाइन बन गया है, हमने इसमें सब में 3-3 बीट ब्लैक ऐड करते हुए पूरा बना लिया है। और हमारा ये लास्ट लाइन है, इसमें हमने 26 बीट ब्लैक डाला है और उसके बाद से सेम ब्लू के तीनों शेड का पैटर्न लेकर हमने इस तरह से बना लिया है और इसको हम इस तरह से करके हम लास्ट हमने 1 mm का बीट लिया है इसको छोड़ के वापस चले जाएंगे। ये देखिए ये सारा हमारा लाइनिंग कंप्लीट हो गया है। अब ये लास्ट में हम इसको यहां से 2 बीट ऊपर जाएंगे। ये देखिए ये हमारा बनके इयररिंग तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम इसको नॉट लगा देंगे। ये देखिए ये हमने यहाँ पे नॉट लगा दिया है, ये हमारा इयररिंग बनके तैयार हो गया है। अब इसी तरह से हमने ये 1 पीस और तैयार कर लिया है। देखिए दोनों तैयार हो गया है, अब हम इसमें अपना इयररिंग हुक लगाएंगे। ये देखिए हमने दोनों में इयररिंग हुक लगा दिया है, ये हमारा इयररिंग बनके तैयार हो गया है। देखिए दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं, इसका कलर कॉम्बिनेशन सारा कितना, इसका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल आर्टिस्टी होम को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।